Good morning, all of you. Very good morning. Good morning to all of you. Very good morning. तो आज हम लोग जो क्लास लेना है, जो हम लोग क्लास पिकअप करना है आज, जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश में हम लोग स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में डिस्कशन किया सारे लोग आज ये, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हिमाचल की जीके की तैयारी आप कैसे करें और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये हमारा मेन फोकस है डिस्कशन का। तो आप बोर्ड पर देखेंगे कि 6 सेक्शन से आपके हिमाचल के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इन 6 सेक्शन में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे तैयारी करना है, ये समझना है। तो अभी हिमाचल प्रदेश में 6 कोर एरिया है जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जो पहला एरिया है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, आर्ट एंड कल्चर, पर्सन एंड प्लेसेस और डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। अब पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कौन कौन टॉपिक आपके आने वाले हाईकोर्ट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप किस किस सेक्शन को ज्यादा फोकस करेंगे, जो आपका कमिंग हाईकोर्ट का पेपर है, ऑलमोस्ट अराउंड जस्ट आपका एग्जाम कहते कि जस्ट नॉकिंग द डोर। तो आपको क्लास में, ये क्लास मेन आपको फोकस, आपको आइडिया दिया जा रहा है कि आप कैसे प्रिपरेशन करें और आपका रिवीजन हम करा रहे हैं। तो हमने सर हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन लिया है, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 5 क्वेश्चन पॉलिटी से, 5 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से और 5 क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से। तो टोटल 1 घंटे में हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और साथ में आप क्वेश्चंस का आंसर्स भी दीजिएगा, जिससे आपको पता लगे कि कैसा आपका रिवीजन चल रहा है। आई होप आप लोग, सब लोग का अच्छा रिवीजन चल रहा होगा और आई थिंक आपकी जॉब जरूर लगेगी। बेस्ट विशेस फॉर यू। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। पहला हम लोग को लेना है कि ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो घर में आप ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश में आपको क्या क्या स्टडी करना है, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। तो देखिए बोर्ड पर, अब बोर्ड पर आप देखेंगे कि ज्योग्राफी में जो मेन सेक्शन है जहां से आपके हाई कोर्ट में क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है, वो क्या क्या आपको प्रिपरेशन करके ज्योग्राफी के लिए जाना है हिमाचल प्रदेश के लिए, वो कोर एरिया को पहले समझे, फिर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले वो लोग पूछते हैं माउंटेन रेंज पर। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश ऐसे भी हिमालयन स्टेट्स है और यहां पर माउंटेन्स है। अब एग्जाम के लिए आपको माउंटेन रेंज के बारे में जाके पढ़ के जाना है और माउंटेन रेंज देखिए, ऐसे देखेंगे आप, ये शिवालिक हिल्स रेंज है, ये लेसर हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय है और ये ट्रांस हिमालय है। तो आप सबसे पहले माउंटेन रेंज के बारे में आप पढ़ के जाइए कि कौन हिमालय, जैसे शिवालिक है तो उसका प्राचीन नाम क्या था, कहां से कहां तक एक्सपेंशन है। फिर पासेस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस देना है। एक क्वेश्चन उन लोग दर्रे के ऊपर पूछ सकते हैं कि कौन सा दर्रा किस प्लेस को जोड़ता है, तो दर्रे पर एक क्वेश्चन चांसेस है आपके आएंगे। उसके बाद पिक्स के लोकेशन पर पूछ देते कौन सी चोटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, और वैली मतलब घाटी, और घाटी के बारे में पूछे कौन सी घाटी इंपॉर्टेंट है, और रिवर, एक क्वेश्चन आपके रिवर से आएंगे, एक क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट से आ सकते हैं, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, और एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आएंगे और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो आपको आज मैंने जैसे कि आप जब घर में बैठे तो आप कोशिश कीजिएगा एक तो पासेस से याद कर ले कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पासेस है, फिर आप पिक्स के बारे में पढ़ ले कि कौन सी चोटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, और वैली के बारे में पढ़ना है, और खासकर रिवर की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना आपको क्लास में, घर में भी बैठ के, और नेचुरल वेजिटेशन का मतलब कि फॉरेस्ट के बारे में, वन हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, किस राज्य में वनों की प्रतिशत कम है ज्यादा है, कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस है। एग्रीकल्चर को भी ध्यान देखना है कि कौन से क्रॉप हिमाचल प्रदेश में ग्रो होते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन करता है, और ट्रांसपोर्ट में रोड है, रोड के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो ये एरिया एक तरह से ज्योग्राफी का हिमाचल प्रदेश का है जहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। आइए हम लोग डिस्कशन करें कि ज्योग्राफी के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आएंगे।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसिंग करते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, अब पहला क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है, कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जास्कर रेंज। अब जास्कर रेंज के बारे में आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जास्कर रेंज आपको पता है कि दो डिस्ट्रिक्ट को, तीन डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। कहता है कि जास्कर रेंज के बारे में दो पॉइंट्स लिखे गए ऐसे, पहला पॉइंट यह है कि इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ जास्कर रेंज इज सिला इन हिमाचल प्रदेश। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए पढ़ रहा हूं, जास्कर श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह बृहद हिमालय का एक भाग है, जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी हिमाचल प्रदेश में सिला है। तो आपको बताना है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है कि ओनली वन सही है कि ओनली टू कि बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। अब आप जाके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर्स लिख के बताइए कि राइट आंसर्स क्या होंगे और चेक करता हूं कितने लोग इसका आंसर्स राइट बताते हैं। तो देखिए कितने लोगों का करेक्ट आंसर्स आ रहा है, अभी काफी लोगों ने मिस्टेक लिखे, सारे लोगों ने मिस्टेक आंसर्स दिए हैं, और भी कोशिश करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा अवेयरनेस ठीक करना है। तो क्लास से आप जुड़े रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको आइडिया भी डेवलप होगा कैसे आपको हाई, पूरे दिन तो आप घर में पड़ी रहे, बस आपको एक घंटा हमारे साथ अपना टाइम देना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। हर दिन एक घंटा आपको हर सब्जेक्ट का रिविजन होते रहेगा, क्लास से आपको बेनिफिट मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे से, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो लोग निडी हैं उनको भी आगे बता दीजिए कि हमारे चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं 11 से 12 हमारी स्पेशल क्लासेस जो हाई कोर्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, इसका बेनिफिट उठाइए। तो कह रहे कि इसमें आपने काफी लोगों ने अब राइट आंसर, पुष्पा सूर्यवंशी का राइट आंसर आया है, काफी लोगों का अब राइट आंसर आ गया। तो सारे लोगों ने मिस्टेक कर दी, जो जास्कर रेंज है वो ग्रेटर हिमालय में नहीं लाई करता है, वो ट्रांस हिमालय में लाई करता है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर वन गलत है, दूसरा सही है। तो आप मिस्टेक कर गए, तो बोर्ड पर फिर से समझिए, एक तरह से मैप पर आपको दिखाते हैं। जैसे आप ये मैप पर देखेंगे तो ये वाला इलाका जास्कर रेंज का है, तो ग्रेटर हिमालय के उस पार, मैंने बृहद हिमालय के उस, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट उनको लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं, जो बृहद हिमालय के उस पार इलाके को ट्रांस कहते हैं, पार हिमालय कहते हैं, और इसी में जास्कर रेंज है जो हिमाचल प्रदेश के तीन डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा को टच करता है, और इसी जास्कर रेंज में ये हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है। ऐसे ऑफिशियली लोग कहते हैं कि रियो पारगुल है, कुछ लोग सिला कहते हैं, बाकी दोनों के बीच बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये जास्कर रेंज ग्रेटर हिमालय में नहीं होकर ट्रांस हिमालय में लाई करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश चारों रेंज में लाई करता है, शिवालिक रेंज में भी, मध्य हिमालय में भी, ग्रेटर हिमालय में भी और ट्रांस हिमालय में भी। तो ये पहला क्वेश्चन सारे रिविजन आपका कराया, आप घर जाके सारे देखिए। क्वेश्चन नंबर टू कर, अब एक लेक के ऊपर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आएगा विच इज नॉट करेक्टली मैच लेक। अब आप लेक के बारे में आपको लोकेशन पर पढ़ के जाना है कि कौन सा लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है, इस पर एक क्वेश्चन आते हैं। चार आपके लेक का नाम दिया है और पूछ रहा है कि क्या एक गढ़सेरू लेक चंबा में है, मचियाल लेक मंडी में है, सुरांग लेक किन्नौर में है, करारी लेक शिमला में है। तो आपको बताना है कि ए सही है कि बी की सी की डी। उसी तरह यहां गढ़सरू लेक चंबा में, मछियाल झील मंडी में, सुरांग झील किन्नौर में, करेरी झील शिमला में। तो आपको बताना है एक ऑप्शन में जाके कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे। तो सारे लेक अगर आपने पढ़ लिया तो इसका राइट आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे, काफी लोगों ने राइट आंसर बता दिया। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये शिमला में नहीं है, ये कांगड़ा में है। तो शिमला में कौन से लेक है,
जस्ट नाम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कराली है शिमला में, करेरी नहीं है, कराली है। तो ये लेक में लोग को बहुत से कंफ्यूजन होते हैं। तो करेरी लेक पूछे तो कांगड़ा में, और कराली लेक पूछे तो शिमला में, तो कंफ्यूज नहीं मत होइएगा। और बाकी सब ऑप्शन राइट मैच है। तो काफी लोगों का राइट आंसर है, वेरी गुड। तो आपको दूसरा क्वेश्चन हमने लेक पर रिविजन करा दिया, और पहला क्वेश्चन हमने माउंटेन पर्वतीय श्रेणी पर हमने क्वेश्चन रिविजन करवाया। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग देखते। अब क्वेश्चन नंबर थ्री वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में दिया गया है। कहता है कि पट्टन वैली इज कॉल्ड एज द ऑर्चर्ड एंड गैलरी ऑफ लाहौल स्पीति। अब घाटी के ऊपर एक क्वेश्चन है। पब्बर वैली इज फेमस फॉर द ट्रॉट फिश। अब मैं इसको हिंदी में पढ़ के बताता हूं। हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पट्टन घाटी को लाहौल स्पीति का बाग और अन्न भंडार कहा जाता है। पब्बर घाटी को ट्राउट मछली के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि एक सिर्फ कथन ए सही है कि केवल दो सही है, कि दोनों के दोनों सही है, कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर। तो राइट आंसर इसके क्या होंगे? विच इज द राइट आंसर। तो काफी लोगों का राइट आंसर आ गया, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए सब लोगों ने राइट आंसर निकाल लिया। इसका सी आंसर सही है। तो पट्टन बजर जो वैली है लाहौल स्पीति में, उसको ऑर्चर और गैनरी कहते हैं, और पब्बर वैली ट्रॉट फिशिंग के लिए फेमस है। तो ये आपके घाटी के ऊपर क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे घाटी के ऊपर। तो तीन टाइप का क्वेश्चन हमने तीन प्रैक्टिस कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन आइए। अब कहता है कि विच इज नॉट करेक्टली मैच पास। कौन सा दर्रा सही सुमिलित नहीं है? अब दर्रे के ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। अब कह रहा है कि दुलाची पास मंडी और कुल्लू के बीच में, जो कैलिचो पास है लाहौल और भरमौर के बीच में, जो दराती पास है वो चंबा और पंगी के बीच में है, जो हमता पास है वो चंबा और कांगड़ा के बीच में है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा दर्रा सही सुमिलित नहीं है। जो पास सही सुमिलित नहीं है, जैसे दुलाची दर्रा मंडी और कुल्लू के बीच में, कैलिचो लाहौल और भरमौर के बीच में, दराती चंबा और पंगी के बीच में, और हमता चंबा और कांगड़ा के बीच में, तो इसका राइट आंसर बताना आपने जाके कमेंट बॉक्स में। काफी लोग का राइट आंसर आ गया, वेरी गुड, वेल डन। बहुत लोग राइट आंसर इसका दिए, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है इसका मतलब। तो क्लास में बहुत लोग एक्टिव लोग भी बैठे हुए हैं जिनकी जॉब लगना पक्का है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। तो इसमें हमता पास नहीं है, वो चंबा और कांगड़ा को ज्वाइन नहीं करता है। अब लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में, जो हमता पास है वो किस प्लेस को कनेक्ट करता है, किसके किसके बीच में हमता पास है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सारे लोग। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमता पास किस किस प्लेस को कनेक्ट करता है, राइट आंसर लिख के बताइए। तो राइट आंसर दीपक का आ गया, कुल्लू को लाहौल से कनेक्ट करता है। किस स्पीति से? लाहौल से कनेक्ट करता है। तो रिवीजन हो गया आपका। तो दुलाची पास, कैलिचो, दराती और हमता पास, आपको पासेस के ऊपर भी ज्ञान हो गया, और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जे कौन सा पास करेक्टली मैच नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फोर, नेक्स्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए। अब कहता है कि विच इज नॉट करेक्टली मैच रिवर। चार नदी दिए गए हैं जो कहां से राइज करती है। जैसे गिरी रिवर राइज फ्रॉम द कूपर पीक। अब आपको बताना है
कि ये चार रिवर कहां से राइज करती है, उनकी उद्गम स्थान सही है कि गलत है। कहता है गिरी रिवर राइज फ्रॉम द कूपर पीक, जलाल रिवर राइज फ्रॉम द धराती रेंज, मरकंडा रिवर राइज फ्रॉम द किरादून वैली और आंध्रा राइज फ्रॉम द नाहन रिज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो आंध्र कहां से आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या है। काफी लोगों का राइट आंसर आ गया, वेरी गुड। तो क्लास में बहुत सिंसियर लोग भी बैठे हुए हैं, तो बहुतों लोगों ने राइट आंसर इसका बता दिया। इसका आंसर होगा डी। तो आंध्र रिवर नाहन से राइज नहीं करती है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आंध्रा रिवर कहां से राइज करती है, वेयर द आंध्रा रिवर राइज। जो लोगों ने सही सही आंसर्स बताया है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आंध्रा रिवर कहां से राइज करती है। गाइडेंसेस तो नाहन से इलाके कहां से राइज करती है आंध्रा? शिमला के किस प्लेस से राइज करती है? तो ये शिमला से राइज करती है और आपको प्लेस लिख के बताना है कि प्लेस का नाम क्या है। शिमला के किस प्लेस से आंध्र रिवर राइज करती है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए राइट आंसर्स। तभी तो पता लगेगा कि आपका कैसा प्रिपरेशन चल रहा है। तो गिरी का आपने सही बताया, कूपर पीक, जलाल धराती रेंज, मारकंडा रेंज, किरादून वैली और नाहन। आंध्र रिवर शिमला से राइज करती है और शिमला के किस प्लेस? शिमला के चिरगांव से राइज करती है। चिरगांव, तो ये आपका डी का राइट आंसर भी आ गया। तो जो लोग को पता नहीं है रिवीजन कर लीजिए क्लास से, इसी जो क्लास से जुड़े रहिए, आपका रिवीजन होते रहेगा बेस्ट। तो ये हमने पांच क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी पर रिवीजन कराया। तो ज्योग्राफी पर आप ऐसे करके अगले क्लास में जब मिलेंगे, तो अगले क्लास में आप क्या करिएगा, सारे रिवर के बारे में पढ़ के आइए। रिवर पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आपके घर के लिए होमवर्क है कि रिवर के बारे में आप पढ़ के आइए अगले क्लास के लिए। रिवर के ऊपर पढ़ के आइए, रिवर से क्वेश्चन आते हैं, तो रिवर पर फोकस रखना आपको। अब क्वेश्चन हमारा ये, आप लोग नेक्स्ट सेक्शन आते हैं। अब क्वेश्चन आइए हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिस्ट्री में सबसे अधिक क्वेश्चन आपके हिमाचल प्रदेश में आता है। अभी ज्योग्राफी के ऊपर आपको रिवीजन कराया। अब दूसरा सेक्शन हम लोग पिक करते हैं हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, और हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और हिस्ट्री में हमने एंशिएंट इंडिया भी लिया है आपका, प्राचीन भारत हिमाचल प्रदेश से कैसे जुड़ा, मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत और राजपूत स्टेट हिमाचल प्रदेश में फाउंडर, और आधुनिक इतिहास। अब हिमाचल प्रदेश के हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, और शाम वाले लेक्चर्स में भी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। जो लोग हैं शाम को भी ज्वाइन कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री और हिमाचल प्रदेश के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब क्वेश्चन कहता है कि हम लोग ट्राइब्स के ऊपर, हिमाचल प्रदेश के ट्राइब के ऊपर पहला क्वेश्चन लिया हमने। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओदंबर्स। अब हिमाचल प्रदेश में एक ट्राइबल थे जनजाति जिनको ओदंबर्स कहते हैं, उनके ऊपर पहला स्टेटमेंट है कि द डिसेंडेंट ऑफ द सजेस विश्वामित्र। ये विश्वामित्र के एक तरह से पूर्वज वंशज थे, और शिप रियरिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, भेड़ पालन उनका मेन ऑक्यूपेशन था। तो कह रहा है कि ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे ओदंबर लोग, जो ट्राइबल थे हिमाचल प्रदेश के, भेड़ पालन उनका मुख्य व्यवसायों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो और नौ, ना तो पहला है ना तो दूसरा सही है। इसका आंसर एक बताना है। हिस्ट्री के रिविजन में आइए।
अब हम लोग ज्योग्राफी से हिस्ट्री पर शिफ्ट होते हैं और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री पर पिकअप करेंगे आपके अगर रिवीजन के लिए। तो इसमें से दोनों के दोनों सही हैं कि पहला सही है कि दूसरा सही है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो काफी लोगों का राइट आंसर आया कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो अदंबर थे विश्वामित्र के वंशज के थे जिन्हें कौशिक गोत्र की स्थापना की थी और भेड़ पालन उनका मुख्य व्यवसाय था। कहते कि ऊन की ओर व्यापार करते थे और पठानकोट वाले इलाके में रहते थे। तो ये था हमारा पहला एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास से है। कहते हैं कि इन विच ईयर डिड द तैमूर अटैक द कांगड़ा और नगरकोट। जो तैमूर था वो कांगड़ा और नगरकोट पर कब आक्रमण किया था, आपको बताना है डेट। 1375 में, 1398 में, 1399 में और 1397 में। क्वेश्चन नंबर टू, तो तैमूर के बारे में कि तैमूर लंग जो था एक पैर से लंगड़ा था और जब तुगलक लोग रूल कर रहे थे भारत में तो तुगलक डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया था और दिल्ली को लूट कर वो हिमाचल होके गया। तो पूछा कि उसने नगरकोट पर कब आक्रमण किए थे, इसका राइट आंसर बताइए। बहुत लोगों का राइट आंसर आया, वेरी गुड। काफी लोगों का राइट आंसर आ गया, इसका राइट आंसर बी होगा। 1398 पर इन अटैक किया था। अब कमेंट बॉक्स में जाके लिखा था जब इसने नगरकोट पर अटैक किया तो वहां का कटोच राजा कौन था, मेंशन कीजिए। कटोच किंग कौन था, साथ में जनरल अवेयरनेस की भी बात। जब इसने कांगड़ा पर अटैक किए तैमूर तो उस समय का राजा कौन था कांगड़ा का, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। विशाल गुलेरिया सही बता, मेघचंद, आपका तो पक्का बहुत अच्छी तैयारी है, हर आंसर आप बताते। तो कांगड़ा का राजा उस समय मेघचंद था, वेरी गुड। तो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला पूछेगा कि तैमूर ने कब अटैक किए, 1398 एडी में, और पूछ दिया कि जब अटैक किया तो उस समय कांगड़ा का चीफ कौन था, तो उसका आंसर होगा मेघचंद था, वेरी गुड। अब आइए क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका मॉडर्न हिस्ट्री पर है, आधुनिक भारत पर है। कहता है कि विच पर्सन वाज द फर्स्ट टाइम डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ ए हिल स्टेट इन 1946। किसने सबसे पहले यह बात उठाया कि पहाड़ी राजाओं का एक अपना हिल स्टेट होना चाहिए। कहते हैं किस व्यक्ति ने पहली बार 1946 में एक पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी कि सारे हिल जिनकी जिनका ड्रीम पूरा भी हुआ सोलन में और सारे हिल स्टेट मिलकर हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया, तो सबसे पहले किसने ये बात उठाया था, क्वेश्चंस कह रहा है। डॉक्टर वाई एस परमार, पंडित पदमदेव, दुर्गा सिंह और ठाकुर हजारा सिंह। तो बताना है कि किसने सबसे पहले हिल स्टेट की मांग उठाई थी और फाइनली सोलन में जो असेंबली हुई उसमें हिमाचल वर्ड यूज किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा, तो काफी लोग का मिस्टेक्स भी हो रहा है। अनूप शर्मा का राइट आंसर आया, ठाकुर हजारा सिंह ने सबसे पहले डिमांड की थी कि पहाड़ी राजाओं का एक खुद का अपना देश होना चाहिए। तो ध्यान रखना है अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि 1946 में पहला पर्सन कौन था जिसने ये बात कही कि सारे हिल स्टेट को मिला के एक अलग सा राज होना चाहिए, उसका राइट आंसर ठाकुर हजारा। इसमें से चारों कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अब ये चार लड़ाई दिए गए हैं, बैटल ऑफ भांगनी 1686, बैटल ऑफ नौदौन 1619,
बैटल ऑफ महाल मोरियन 1886 और बैटल ऑफ नाला पानी 1813। अब बताना है कि इसमें से कौन सा जो लड़ाई है वो उसका सही डेट नहीं है। जो सुमलित नहीं है, भांगनी की लड़ाई 1686, नौदौन की लड़ाई 1619, महल मोरियन की लड़ाई 1886 और नाला पानी का युद्ध 1813, इसमें से कौन सा सही नहीं है बताइए आपको। अब लड़ाई के ऊपर हम लोग चले हिस्ट्री में, हिस्ट्री के ऊपर लड़ाई के ऊपर एक पक्का क्वेश्चन आता है, स्ट्रगल के ऊपर हिस्ट्री का मतलब ही होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चारों में से कौन सा ही मैच नहीं है। रोहित ठाकुर, हितेश ठाकुर, हितेश ठाकुर ने बहुत अच्छा राइट आंसर बताया, बहुत गुड, वेरी गुड। शिवानी कुमार, रोहित ठाकुर, हितेश ठाकुर, मीनाक्षी, पूजा, साहिल चौधरी, अभी चौहान, बाकी काफी लोगों का आंसर राइट आ गया, बहुत वेल डन, बहुत अच्छी तैयारी आपकी। तो बैटल ऑफ नाला पानी जो था इसका आंसर डी होगा, डी सही नहीं, 13 नहीं होगा, 14 होगा, बाकी सब सही है। तो बैटल ऑफ भांगनी आपको इससे जुड़ा हुआ है गुरु गोविंद सिंह, इससे भी गुरु गोविंद सिंह जुड़े हुए हैं, इससे संसार चंद जुड़े हुए, अमर सिंह थापा, और बैटल ऑफ नाला पानी से कौन जुड़ा हुआ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, बाकी तो मैंने बता दिया। तो बैटल ऑफ नाला पानी किसके किसके बीच में हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में बताना जाके राइट, कि नाला पानी की जो लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच में हुई थी। तो आपको बताना करेक्ट, तो लड़ाई जब भी आए बैटल के ऊपर आप ध्यान किसके किसके बीच में लड़ाई पूछते, एक लड़ाई के ऊपर क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में क्या होता है कि आपने सारे पढ़ के जाना है कि किसके किस में बैटल हुआ है, तो बैटल्स पर एक क्वेश्चन हिस्ट्री में पक्के आते, जैसे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर भी पूछ सकता है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर भी हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और ये कुछ बैटल्स मैंने इन द बोर्ड पर भी लिखे, ये सारे बैटल्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंग्लिश और गोरखा के बीच में हुआ था, सुनील चौधरी ने राइट आंसर बताया, वेरी गुड, वेल डन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हिस्ट्री का, अब कहता है विच इज नॉट करेक्टली मैच। अब हमको पता है कि हिमाचल में जो बाहर से राजपूत लोग आए और उनने आके यहां के ठाकुर और राणा को हराकर बहुत से राज्यों की स्थापना की, तो पूछता है कि बिलासपुर का जो राजा था वो चंदेल था, क्लैन का सही है, चंबा का राजा सूर्यवंशी था, दामी का राजा चौहान था, और सिरमौर का राजा अतेरी क्लैन का था, अत्री क्लैन। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है आपको बताना है, विच इज नॉट करेक्टली मैच। तो काफी लोग का आंसर राइट आ गया, डी इसका राइट आंसर होगा। तो सिरमौर का राजा कहां से था कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो सिरमौर का राजा कहां से आया था, जैसलमेर से था, और किस क्लैन का था, तो राठौड़ क्लैन का था। तो डी का आंसर होगा, डी जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो सिरमौर का राजा जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर से आया था, और जिस क्लैन से बिलोंग करता था उसको बोलते थे राठौड़, राठौड़ क्लैन, राठौड़ वंश से था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नॉट करेक्टली मैच, डी। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हमने हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन किए। तो हिस्ट्री में आपके हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और हिस्ट्री को आपको ध्यान रखना है किस किस सेक्शन से पढ़ना है।
अब आइए तीसरा सेक्शन। अब तीसरा है पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी पर आइए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब पॉलिटी में पहला आपका सेक्शन होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। हिमाचल प्रदेश कैसे राज्य बना, उसकी डेवलपमेंट कैसे रही, जैसे कि चीफ कमिश्नरी से राज्य कैसे बना। जब राज्य बना तो विधानसभा के बारे में होगा कि विधानसभा की सीट कितनी थी, गवर्नर कौन पहले बना, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल, और उसके साथ न्यायपालिका की भी स्थापना हुई, जैसे हाईकोर्ट जिसका एग्जाम आप दे रहे। तो ये आपके मेन सिलेबस है पॉलिटी के हिमाचल प्रदेश की। अब हम लोग को डिस्कशन करना है जो पहला आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पहला क्वेश्चन आपके देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। तो हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो पूछे कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। पहला है कि एम एस बेग, टीवीआर, टी टाटाचार्य, एम एस हिम्मत सिंह, पंडित जीवंत राम। तो काफी लोगों ने इसका आंसर राइट बताया कि पहले स्पीकर पूछे थे कौन है। अगर इसी के दस पूछे कि इंडिया का पहला स्पीकर कौन है, अगर पूछे कि इंडिया का पहला स्पीकर कौन था हिमाचल का, तो आप लोगों ने राइट निकाल दिया, पंडित जीवंत राम। अब इंडिया में जाके बताना है कि इंडिया का पहला स्पीकर कौन था, फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पूछे कि इंडिया का स्पीकर कौन है। तो सारे लोग का आंसर आ गया जीवी मालवंकर है। अब स्पीकर के बारे में आप दो तीन फैक्ट याद रखिएगा अध्यक्ष के बारे में। स्पीकर को हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं। तो स्पीकर के बारे में दो पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला, तीन पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से कि आपके पॉलिटी में क्वेश्चन आए। एक तो रूलिंग पार्टी से आता है, जिसकी सरकार उसी का स्पीकर होगा, एक तो रूलिंग पार्टी से आता है। और फिर कहते हैं कि जब वो सीट को ऑक्यूपाई कर लेता है तो पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ देता है, एक तरह से निष्पक्ष हो जाता है। अगर पूछे कि रिजाइन ये किसको देता है स्पीकर, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि स्पीकर रिजाइन किसको देता है। तो हमेशा अपना रिजाइन डिप्टी स्पीकर को देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ओथ का प्रोविजन नहीं, स्पीकर कभी ओथ नहीं लेता है। जैसे नॉर्मल लोग ओथ लेते हैं वैसे जैसे नॉर्मल एमपी ओथ लेता है वैसे लेते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन पहला था जो हमने डिस्कस किया, और हिमाचल प्रदेश के पहले और इंडिया का जेवी मालवंकर और स्पीकर के ऊपर आपको फैक्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू आइए, कहते कि हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, कहता हाउ मेनी मेंबर्स वर इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द फर्स्ट ईवर इलेक्शन ऑफ एचपी इन 1951। जब 1951 में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ तो कितने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, 16, 39, 49, 36। तो 1951 में हिमाचल प्रदेश के पहले चुनाव में राज्य की विधानसभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे, कितने चुने गए थे। तो विधानसभा के लिए कितने चुने गए थे, तो काफी लोग का आंसर आ गया, डी इज द करेक्ट आंसर, 36 लोग चुने गए थे, वेरी गुड। तो पहला इलेक्शन हुआ तो 36 लोग चुने गए थे। अब कमेंट बॉक्स में जाके लिखना कि कांग्रेस पार्टी ने कितने सीट जीते थे,
पहली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने कितने जीते थे सीट? तो और प्रेजेंट में अभी कितनी विधानसभा की सीट आपको पता है? कितने विधानसभा की सीट है प्रेजेंट में और कितने रिजर्व सीट है विधानसभा की? अवेयरनेस के रूप में आप इसको देख लीजिए, रिवीजन के रूप में। तो 1951 में जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने कितने जीते थे? प्रेजेंट में विधानसभा की जो 68 सीट है उसमें कितने रिजर्व सीट है एससी के लिए और एसटी के लिए? एससी के लिए कितना रिजर्व है और एसटी के लिए कितना रिजर्व है? आपको रिवीजन करके जाना एग्जाम के लिए। तो पूछेगी जो प्रेजेंट है 68 में से कितना रिजर्व सीट है और कितना एसटी के लिए है और कितना एसटी के लिए है और मैक्सिमम विधानसभा की सीट किस डिस्ट्रिक्ट में है? मैक्सिमम कमेंट बॉक्स में लिख के इसको बताइए। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो अभी प्रेजेंट कितने रिजर्व है और जब पहली हुई थी तो कितने कांग्रेस पार्टी ने जीते थे, तो ये सारे आपको रिवीजन करना है घर जाके। तो आपको बताया कि पहली में 20 रिजर्व सीट्स हैं, तो ऐसे करके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और मैक्सिमम सीट कांगड़ा में है आपको बताइए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इससे रिलेटेड बन सकते हैं। तो ये आपका पॉलिटी वाला रिवीजन हो रहा है। पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल्डिंग विच वॉज बिल्ड बाई द पंजाब गवर्नमेंट इन 1902 नाउ द फंक्शनिंग एज द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उस इमारत का क्या नाम है जिसे पंजाब सरकार ने 1902 में बनवाया था, अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय के रूप में कार्य कर रही है? बर्नसकोट, अंसर लिली, गॉटिन कसल्स और रोशनी महल, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? साहिल चौधरी का राइट आंसर है। तो काफी लोग का राइट आंसर आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो हिमाचल प्रदेश का सीएम है वो जिस प्लेस में रहता है उसको क्या कहते हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर बी होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अलर्सली इसका राइट आंसर है। बाकी ये अब चेंजेस हो गया है। तो पहले क्या था सीएम का आवास क्या था? अलर्सली में था, अब ओक ओवर में हो गया, अब चेंज हो गया है। तो पहले सीएम का आवास अलर्सली में होता था, अब ओक ओवर में हो गया। तो इस ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? और यहां पर एचपी सेक्रेटरी होता है। पहले जब पंजाब एक तरह से गवर्नमेंट ने बनाया था तो सीएम का आवास होता था, अब चेंज हो गया। तो इसे अगर ऐसा ऑप्शन है तो पहले बी में टिक लगाना आपने, अगर ओक ओवर है तो ओक ओवर पर जाकर टिक लगाना आपने। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, कहता हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा के लिए कितने मेंबर हिमाचल प्रदेश में है? तो बताना कि राज्यसभा के लिए कितने हैं। तो राज्यसभा के बारे में आपको पता है,
तो सारे लोगों ने बता दिया तीन है। अब आप बताना कि तीनों के तीनों मेंबर बीजेपी के हैं कि कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के अगर पूछे कितने मेंबर है और राज्यसभा के और बीजेपी के कितने हैं तो आप क्या बताइएगा? तो इस समय प्रेजेंट में क्या है कि तीनों के तीनों बीजेपी के हैं, कांग्रेस का एक भी नहीं है राज्यसभा के बारे में। और आपको पता होना चाहिए कि तीनों का आपको नाम भी पता होना चाहिए कि तीन जो मेंबर है राज्यसभा के प्रेजेंट में कौन से। तो ये आपकी अवेयरनेस की बात है, प्रेजेंट में तीन राज्यसभा के मेंबर कौन कौन से। तो ये आपके थे हाउ मेनी मेंबर इन द इलेक्टेड फॉर द राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अब राज्यसभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हैं। तो राज्यसभा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि एक कभी डिसॉल्व नहीं होती है, नॉट डिसॉल्व। पूछे इसके मेंबर का लाइफ कितना होता है, 6 साल के लिए 6 ईयर्स होता है और 2 साल के बाद इसके कितने मेंबर रिटायर कर जाते हैं आपको पता होना चाहिए। तो पहले कभी डिसॉल्व नहीं होता है, एक मेंबर की लाइफ 6 साल की होती है, हर 2 साल के बाद इसके मेंबर रिटायर कर जाते हैं 1/3। और इसका सबसे बड़ा पावर क्या है, आर्टिकल 249 और 312, दो सबसे इसके बड़े पावर है। 249 में क्या करता है कि राज्यसभा स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बना सकती है राज्य सूची पर। तो पूछे कि किस आर्टिकल के थ्रू राज्यसभा राज्य सूची पर कानून बना सकती है राज्य सूची पर, तो उसका आंसर होगा 249। और किस आर्टिकल के द्वारा ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकती है राज्यसभा, ऑल इंडिया सर्विस, तो इसका आंसर होगा 312, अखिल भारतीय सेवा। तो एग्जाम के लिए राज्यसभा के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देके जाना है जो हिमाचल से भी जुड़ा हुआ है, इंडिया से भी जुड़ा हुआ है। कभी डिसॉल्व भी होता है, मेंबर का लाइफ 6 ईयर्स, कितने साल के लिए, 1-2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर रिटायर, और आर्टिकल 249 के द्वारा राज्य सूची पर कानून बना सकती है, और 312 में अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 5 आई है पॉलिटी का, कहते हैं हिमाचल प्रदेश रिमेंड ए पार्ट सी स्टेट टिल। आगे बताया कि जब हिमाचल प्रदेश भारत में मर्ज किया तो उसको पार्ट में रखा गया, कहते हैं कि पार्ट सी तक कब तक ये रहा, आंसर आपको बताना है। जो हिमाचल प्रदेश है वो पार्ट सी तक कब तक रहा, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो हिमाचल प्रदेश पार्ट सी तक कब तक रहा आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो राइट आंसर आ गया बी, इसका करेक्ट आंसर है 1956 तक रहा है। और 1956 में क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आ गया जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, जिसने हिमाचल प्रदेश को यूटी में कन्वर्ट, यूटी बना दिया, यूटी में शिफ्ट हो गया। तो फजल अली कमीशन, फजल अली ने हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी एक तरह से डिलीटेड हो गया और हिमाचल प्रदेश यूटी में कन्वर्ट हो गया। तो यह ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमने तीसरा सेक्शन किया, पहला सेक्शन ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, दूसरा हमने हिस्ट्री और तीसरा पॉलिटी। अब चौथा सेक्शन आइए, फोर्थ सेक्शन। अब चौथा सेक्शन है आपका आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्ट एंड कल्चर पर आपको सबसे अधिक क्वेश्चन आजकल आर्ट एंड कल्चर पर लोग पूछ रहे हैं, और इसमें 5 टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है। पहला आपका जो टॉपिक है वो लैंग्वेज एंड बुक्स है कि कौन कौन सी भाषा हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, और बुक्स और ऑथर पर क्वेश्चन आते हैं। फिर पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन खासकर पूछते हैं, फिर म्यूजिक एंड डांस,
फिर फेयर एंड फेस्टिवल और टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्री। अगर इन पांच सेक्शन की आप तैयारी कर ले तो कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूट सकते। तो आप खासकर पेंटिंग के ऊपर, लैंग्वेज और बुक के ऊपर, म्यूजिक एंड डांस, फेयर एंड फेस्टिवल और टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्री, तो ये पांच सेक्शन है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये आइए हम लोग पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं आर्ट एंड कल्चर पर और डिस्कशन करते हैं और आपके अवेयरनेस, आपका एक तरह से रिविजन भी करवाते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच मास्टर क्राफ्ट्समैन वॉज ऑर्डर बाई मेरू वर्मन टू क्राफ्ट द फेमस मेटल स्टैच्यू ऑफ लक्ष्मणा देवी, नरसिंह में गणेश एंड नंदी एट द ब्रह्मौर एंड शक्ति देवी एट छतरारी। किस क्राफ्ट्समैन ने मेटल का स्टैच्यू बनाया था लक्ष्मणा देवी का, मंदिर का, नरसिंह का, गणेश का और नंदी का, ब्रह्मौर का और शक्ति देवी एट छतरारी। इसके राइट आंसर दिए हुए हैं, पहला गुग्गा है, मनकू है, रामू है कि सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव है। तो ये पूछ रहा है किसने डिजाइन बनाया था मंदिर का। तो विच मास्टर क्राफ्ट्समैन ऑर्डर बाय मेरू वर्मन, हिंदी में पढ़ के बताते हैं, मेरू वर्मन ने भ्रमौर में लक्ष्मणा देवी, नरसिंह, गणेश और नंदी की एक प्रसिद्ध धातु की मूर्ति और चित्रकारी की शक्ति देवी की एक प्रसिद्ध धातु मूर्ति बनाने के लिए किस मास्टर शिल्पकार को आदेश दिया था, गुग्गा को, मंकू को कि रामू को, ऊपर के सभी को। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, गुग्गा को दिया था। तो गुग्गा किसके साहिल मेरू वर्मन के कोर्ट में था और इसी ने बनाया था लक्ष्मणा देवी के मंदिर का स्टैच्यूज। तो इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताओ जी कौन कौन शिल्पकार राज किस राजा के कोर्ट में थे। तो ये हमने आर्किटेक्चर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए आर्ट एंड कल्चर से, कहता है विच बौद्धिस्ट मॉन्क एस्टेब्लिश द स्टैच्यू ऑफ अवलोकितम एट त्रिलोकनाथ टेम्पल ऑफ लाहुल, किस बौद्ध भिक्षु ने लाहुल के त्रिलोकीनाथ मंदिर में अवलोकितम की मूर्ति पर स्थापित की। तो पहला ऑप्शन है पद्म संभव, अलुकेतेश्वर, जय गुप्तम, ऊपर के सभी। तो किसने त्रिलोकीनाथ टेम्पल में अविलोकितम की मूर्ति को स्थापित किया था। विच इज द राइट आंसर, का राइट आंसर क्या होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पद्म संभव इसका करेक्ट आंसर है, पद्म संभव। क्वेश्चन नंबर आइए थ्री। अब एक डांसेस के ऊपर क्वेश्चन है, कहता है बुड़ा इज द फेमस फॉर डांस ऑफ विद डिस्ट्रिक्ट। तो डांसेस पर एक क्वेश्चन 200% की आपके एग्जाम में आते हैं, तो सारे डांसेस को आपको देख के जाना है। तो कह रहे कि क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है कि बुधा किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, शिमला का, सोलन का कि लाहौल स्पीति का कि सिरमौर का। तो आंसर, इसका आंसर क्या होगा, थ्री का डी। तो बुढ़ा सिरमौर का डांस है, थ्री का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर आइए आर्ट एंड कल्चर से, कहता है हु कंस्ट्रक्टेड द भूतनाथ टेम्पल ऑफ मंडी इन 1527 एडी, जो भूतनाथ का मंदिर है वो 1527 एडी में किसने निर्माण किया था। तो मंदिर से एक क्वेश्चन आते हैं, एक मोनेस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, एक डांस से क्वेश्चन आते हैं, ये वेरी वेरी, ये चार पांच टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो करके जाना है आपको। तो मंदिर और उसका लोकेशन और किसने बनवाया था, तो भूतनाथ टेम्पल किसने बनवाया था, तो इसका आंसर बी होगा। काफी लोगों ने राइट आंसर दिया है, अजमेर सेन ने बनाया था भूतनाथ की टेम्पल, वेरी गुड। तो मंदिर का आपको ध्यान देखा जाए कौन सी मंदिर कहां पर है और किसने उसको बनाया था, उसका मास्टर क्राफ्ट्समैन कौन था, यह भी ध्यान रखना आपको एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर फाइव आइए,
अब कहता है कि मोनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन है, कहता है पदम संभव जो हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ, जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत में किया और मंडी के एक लेख से भी जुड़ा, आपको पता है पदम संभव लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच मोनेस्ट्री इन लाहुल। पदम संभव ने लाहुल में कौन सी मोनेस्ट्री की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु घंटाल मोनेस्ट्री किसने स्थापना की थी? तबो की नहीं स्थापना की थी। तो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री किसने स्थापना की थी? मिस्टेक से दो बार तबो आ गया, तो इसकी एग्जैक्टली आंसर होगा गुरु घंटाल। तो पदम संभव ने गुरु घंटाल मोनेस्ट्री की स्थापना की थी। तो सारे मोनेस्ट्री आपको देख के जाना है मोनेस्ट्री, और उसके फाउंडर कौन कौन से हैं। जी एक क्वेश्चन मोनेस्ट टेम्पल से, एक क्वेश्चन मोनेस्ट्री के ऊपर आता है, आपको एकदम देख के जाना आपने। अब आइए लास्ट सेक्शन, आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल जो है हम लोग लास्ट सेक्शन पर आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में आपको सामने गए कि कौन से डायनेस्टी का कौन फाउंडर है, इसकी तैयारी करना है कि कौन सा डायनेस्टी का कौन फाउंडर है, और राजाओं के ऊपर फैक्ट कि किस राजा के समय क्या इवेंट्स हुए। तो डिस्ट्रिक्ट जब भी पढ़े तो एक ध्यान रखना है कि इसके कौन से डायनेस्टी का कौन फाउंडर है और किस राजा के समय क्या इवेंट हुए। अगर ये चीज आप कर लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाला सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आज हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट पर डिस्कशन करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड पर देखिए, पहला क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट ऊपर बेस्ट है, हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सराहान टू रामपुर। किस राजा ने अपने कैपिटल को सराहान से रामपुर को शिफ्ट किया था? तो किस राजा ने अपने कैपिटल को सराहान से रामपुर को शिफ्ट किया था? राजा श्याम सिंह, राजा शमशेर सिंह, राजा राम सिंह, राजा मान सिंह। इसका राइट आंसर बताना है, हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सराहान टू रामपुर। तो इसका एग्जैक्टली आंसर आ गया सी। तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है कि सराहान से राज, ये डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्वेश्चन है और राजा के ऊपर क्वेश्चन है, तो राजा के से बुसियार का राजा के समय कौन सा इवेंट हुआ? तो कैपिटल शिफ्टिंग का ये क्वेश्चन राजा राम सिंह, इसका राइट आंसर है। तो जब भी डिस्ट्रिक्ट पढ़े उसका फाउंडर कौन है और उसके समय क्या इवेंट्स हुआ, तब आपकी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पकड़ अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कि विच रूलर ऑफ बुशियार एक्सपेंडेड हिज किंगडम अप टू द तिब्बत। बुशियार के किस राजा ने अपने राज्य का विस्तार तिब्बत तक किया था? तिब्बत तक, राजा पदम सिंह, राजा खेरी सिंह, राजा उधम सिंह की नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको पता है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, रा बी। तो राजा खेरी सिंह ने तिब्बत पर अटैक किया था और तिब्बत को एक तरह से प्राप्त किया था, तिब्बत से हंगरांग वैली, और मुगलों ने भी इनके कंपेन में मदद की थी। तो राजा खेरी सिंह ने तिब्बत तक अटैक किया था, तिब्बत से अंगरांग वैली प्राप्त किया, और तिब्बत और बुशियार स्टेट के बीच में ट्रेड भी स्टार्ट हुआ जिसको लाबी का फेयर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आइए डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रिंसली स्टेट बुशियार। जो बुशियार प्रिंसली स्टेट है उसका फाउंडर कौन है? देवीलाल, देव देवपाल, श्री कृष्ण, बर्धुबन की बलराम।
तो बुसियार स्टेट आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है, और उसके फाउंडर किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रद्युमन को माना जाता है। तो प्रद्युमन को एक तरह से बुसियार स्टेट का फाउंडर माना जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा प्रिंसली स्टेट का कौन सा फाउंडर है, आपको फाउंडर ध्यान रखना है और कौन सा राजा से कौन सा फैक्ट जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। अब फाउंडर कहते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ किंथौल प्रिंसली स्टेट्स? किंथौल प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी? विजयसेन, गिरिसेन, केरीसेन की करमसेन? तो किंथौल प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी? आपको बताया जो शिमला आज है वो किंथौल स्टेट का ही पार्ट था। तो पूछे किंथौल प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी, और इसी फैमिली के लोगों ने मंडी और सुकेत की भी स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर 4 का क्या होगा? बी होगा। तो आपको ध्यान है कि सुकेत की स्थापना किसने की थी और मंडी की स्थापना किसने की थी, और सभी सेन से जुड़े हुए हैं, सारे बंगाल से आए थे, एक ही फैमिली के मेंबर है। तो गिरिसेन ने किंथौल से, किंथौल के अंदर ही शिमला था, तो अंग्रेजों ने शिमला का एरिया एक से किंथौल प्रिंसली स्टेट से ही लिया था। तो आप डिस्ट्रिक्ट जब पढ़ेंगे तो इस सारे कॉन्सेप्ट आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 5। कहता है, जुंगा वॉज द कैपिटल ऑफ विच प्रिंसली स्टेट्स? जो जुंगा था किस रियासत की राजधानी थी? जुंगा वॉज द कैपिटल ऑफ विच प्रिंसली स्टेट्स? कमेंट बॉक्स में जाके बताना आपको। रितेश, मदान, किंथौल या घुंद? तो किस रियासत की राजधानी रितेश जुंगा थी? रितेश, मदान, किंथौल और घुंद। तो इसका राइट आंसर होगा किंथौल रियासत जुंगा की राजधानी थी, जो 1857, आप पढ़ेंगे किताब में कि 1857 के विद्रोह के दौरान किंथौल के राजाओं ने जुंगा में ही अंग्रेजों की शरण दी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आज हमने 25 क्वेश्चंस लिया आपको, और हर सेक्शन से हमने 5-5 क्वेश्चन पिकअप किया और आपका रिवीजन करवाया। तो एक घंटे के अंदर आपने हिमाचल प्रदेश के 5 सेक्शन से सारा रिवीजन कर लिया, आपका आइडिया भी डेवलप हो गया, जो आप घर में बैठ के खुद नहीं कर सकते। एक ही दिन में आपको हिमाचल प्रदेश एक तरह से पूरा का पूरा राउंड अप करवा दिया। ज्योग्राफी भी पढ़ लिया आपने, हिस्ट्री भी पढ़ लिया, पॉलिटी भी हिमाचल प्रदेश का प्रैक्टिस कर लिया, आर्ट एंड कल्चर भी, और डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल भी। तो ये क्लास का बेनिफिट होता है कि एक घंटे में आपने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक का रिवीजन कर लिया। तो जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और सेम टाइम में हम कल मिलते हैं, फिर आपका रिवीजन कराते हैं। अपना सिलेक्शन करवाना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तब के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। हैव एनी कमेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के बता सकते हैं, आपका बेस्ट रिवीजन हो गया। अगर कोई मिस्टेक हो गया क्वेश्चंस में तो उसमें चिंता नहीं करना है, अगले क्लास में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका आंसर पीस से आपको बता देंगे। तो आज का क्लास हमने, जो आप एक घंटे में घर में बैठ के नहीं कर सकते, पूरे एक घंटे में आपने पूरा हिमाचल प्रदेश एक तरह से राउंड अप कर लिया, सारे मेन मेन क्वेश्चन हमें डिस्कशन कर लिया कि हर टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो कल हम लोग मिलते हैं और फिर इस लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं, और इवनिंग की क्लास में जो लोग नए जुड़े इवनिंग क्लास हिस्ट्री रिविजन के लिए अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।